713 स्क्वायर फीट की छत पर 415 गमले लगा रखे हैं। अभी हमारी छत पर भिंडी, तुरई, करेला, घिया, ग्वार, टिंडा, टमाटर, बैंगन, मिर्ची, पालक, मेथी, धना, खरबूजा, ककड़ी, तरबूज, कोड़ा, आगरे का पेठा, मीठी मक्का, देसी मक्का, फ्रेश बीन, एक्सप्रेस बीन, अदरक, आलू, पुदीना, अरबी सब कुछ है। तेरह जुलाई 77 से ट्री वाटर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रहा हूँ। छोटी छोटी सी पुस्तकें छापते हैं जिनकी कीमत 3 से 6 रुपए अधिकतर की है। महंगी से महंगी किताब 1 12 रुपए की है, बाकी 9 रुपए की 8 किताबें हैं और अधिकतर किताबें 3 से 6 रुपए के बीच की है। 32 पेज की किताब छापते हैं, इससे ज़्यादा आदमी पचा नहीं पाता, हाजमा ख़राब हो जाता है, पढ़ने लिखने का ज़माना ख़त्म हो गया है, इसलिए छोटी पुस्तकें छापते हैं। पेड़ भोजन देते हैं तो हमने कोशिश ये करी है जो 8 10 2 4 8 और 1 9 2 लिख करके पेड़ और भोजन वृक्ष जीव के मित्र हैं, देते हैं हार, ईश्वर ने देकर हमें किया बहुत उपकार, तो पेड़ और भोजन को मिलाकर के थैले बनाए हैं। तो अगर आप टिफ़िन भी ले जाते हैं तो ये टिफ़िन है जो पेड़ दे रहा, पेड़ टिफ़िन में जो भोजन है वो पेड़ से मिला है, ये कहने का प्रयास किया है। पेड़ों के नाम की इस तरीके की नेम प्लेट बनाते हैं 14 भाषा में, हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया, इन सब भाषाओं में हिंदी, इंग्लिश और बॉटनिकल नाम करके प्लेटें बनाते हैं। झाड़ू है अति काम की, करे गंदगी दूर, वृक्ष जहर फी सौंप छौंपते, शुद्ध हवा भरपूर। झाड़ू दे यदि चाहिए, पावनता चाहूँ और शुद्ध हवा जो चाहिए, वृक्ष लगे चाहूँ और। मेन मकसद हमारा ये झाड़ू नहीं था, मेन मकसद है पेड़ क्या करते हैं पर्यावरण के लिए, जीव मात्र के लिए, ये झाड़ू दे करके हमारे पर्यावरण को सुधार रहे हैं। 5 मंजिला घर है तो 17 पाण 85 सीढ़ियाँ हैं। 85 सीढ़ियों में हमने 85 2 घड़े राइजर पे लिखे हैं, जिसमें पहला शब्द उस हर सीढ़ी में सीढ़ी शब्द आना जरूरी है, सीढ़ी या सीढ़ियाँ, पेड़ स्वर्ग की सीढ़ियाँ, पेड़ धर्म की सीढ़ियाँ, इस तरीके से पेड़ ही है सारी सीढ़ियाँ, पेड़ और सीढ़ी शब्द आना जरूरी है। जब आप सीढ़ी चढ़ेंगे तो आपको सीढ़ी पे हर दुहा मिलेगा सब। और पूरी बिल्डिंग में एक भी मिसमैच टाइल नहीं लगी हुई है और सब पे एक नया मैसेज है, एक टाइल भी रिपीट नहीं करी है। 5,257 टाइल्स लग रही हैं और सब पे नया मैसेज है। आप जो भी सब कुछ ये काम देख रहे हैं ये मेरे माता पिता की देन है सब। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी परम गो भक्त थे सब। जब मेरा बचपन था तो मेरी दादी और नानी बगैर गाय को रोटी दिए हुए गाय को रोटी नहीं खाते थे, बोलती नहीं थी, करती थी, तो वो संस्कार हमें वहीं से ही मिले हैं सब। उस जमाने में माता पिता, दादा दादी, नाना नानी खूब रहते थे और खूब सेवा करते थे, 5 बच्चे भी कर दो तो संभल जाते थे। अब सब एक न्यूक्लियर फैमिली हो गई, बच्चे पालना मुश्किल है, अगर हम 2 4 बच्चे पैदा कर लेते तो फिर इस तरीके से ये पेड़ के प्रति हमारा प्रेम निश्चित रूप से कम रहता, बच्चों में करना ही पड़ता सब। इसलिए एक बच्चे पर ऑपरेशन करवा लिया, एक बिटिया पर ऑपरेशन करवाया सब।